हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, मॉडल सेट का यहां पे सेट नंबर 4 है। अगर आप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्रेंड, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि देख सकते हैं पल पल की अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग मॉडल पेपर का यहाँ पे सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फिर, जो कि देख सकते हैं आने वाले एग्जाम में 100% इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन है किसने किया था। तो देख सकते हैं रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था किसने, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। देख सकते हैं पहला का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। किसका? यूनान का हो जाएगा। देख सकते हैं दो का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दो का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किनकी रचना है। देख सकते हैं काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि वार एंड पीस किनकी रचना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय से। देख सकते हैं लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय। देख सकते हैं वार एंड पीस के जो रचनाकार है टॉलस्टॉय हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं, देख सकते हैं चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में जो वियतनाम एवं देख सकते हैं फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। किस समझौता को? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं चार का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए देख सकते हैं पांच नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो यह दिसंबर नागपुर अधिवेशन में। किसमें? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। देख सकते हैं छह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं सातवां नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। कब किया था? 1907 में किया था। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आठवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। देख सकते हैं आठवां नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो यह होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में होता है। देख सकते हैं आठ का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है। नौवां नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बिहार के किस क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर भेजा जाता था, तो यह हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, नौ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं दसवां नंबर जो प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। देख सकते हैं गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जर्मनी में हुआ था। देख सकते हैं 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना है जो कि देख सकते हैं डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? भारत के प्रथम तेल संशोधक कारखाना है जो कि डिगबोई में स्थित है। देख सकते हैं 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। देख सकते हैं भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह सतलज हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखरा नंगल परियोजना है जो कि सतलज नदी पर अवस्थित है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा बरौनी। देख सकते हैं ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो यह बरौनी में स्थित है। कहाँ? बरौनी में। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार क्या हो जाएगा? तो मैग्रोवस का जो सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा वह सुंदरबन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सुंदरबन में हो जाएगा। देख सकते हैं 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न में कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा लगभग 150 प्रकार के। देख सकते हैं भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। भारत की कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि कार्य में संलग्न है, तो यह 2/3। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 2/3 भाग है जो कि कृषि कार्य में संलग्न है। देख सकते हैं 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है, तो यह देख सकते हैं अरेबिका। देख सकते हैं भारत में जो कॉफी उगाई जाती है वह अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। कैसा? अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है, संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से जो संबंधित नगर हो जाएगा वह हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित मार्ग चेन्नई हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग है मुख्य रूप से होता है सीमेंट उद्योग में। किसमें? सीमेंट उद्योग में होता है। देख सकते हैं 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वह मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में ग्रैंड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है। तो बिहार में ग्रैंड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। कितना हो जाएगा? 2 है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख सकते हैं 21 नंबर, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो यह पंचायती राज्य संस्था में। कहाँ? पंचायती राज्य संस्था में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो यह होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता, असमान भूमिका। देख सकते हैं कि समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका होता है। देख सकते हैं 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था करती है। तो बिहार जो पंचायती
राज्य अधिनियम है महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण करती है, तो यह करती है 50% का आरक्षण। कितना? 50% का आरक्षण करती है। देख सकते हैं 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि दलित, देख सकते हैं, पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। तो दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्त, औद्योगिक मजदूरों से शोषण से मुक्त हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। देख सकते हैं 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का जो आशय हो जाएगा वह व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल का जो आशय है व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र है जो सभी नागरिकों को समान अवसर को देता है, समान अवसर को देता है। देख सकते हैं समान अवसर को देता है, लोकतंत्र है सभी नागरिकों को समान अवसर को देता है। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर जो भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है तो तकरीबन 71 करोड़ है। देख सकते हैं 71 करोड़ हो जाएगा। देख सकते हैं नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर आधारित है। देख सकते हैं नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर आधारित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो देख सकते हैं योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। देख सकते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद है, तो भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान आजादी के बाद क्या है, तो यह है घटता गया है। आजादी के बाद क्या हो गया, तो आजादी के बाद घटता गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न में है कि दादा भाई नरौजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नरौजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया था सर्वप्रथम। देख सकते हैं दादा भाई नरौजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया था। कब लगाया था? 1868 में। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा हो जाएगा। देख सकते हैं चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो यह साख मुद्रा हो जाएगा। चेक एक प्रकार की कौन सी मुद्रा है, तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाला जा सकते हैं, तो एटीएम के द्वारा जो पैसे निकाला जा सकता है वह 24 घंटा। देख सकते हैं यहाँ पे 24 घंटा हम लोग निकाल सकते हैं एटीएम के द्वारा। देख सकते हैं 35 का ऑप्शन, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एटीएम के द्वारा हम लोग 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है,
तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है मुंबई को, किसको? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। देख सकते हैं 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बनी थी वह 1918 में बना था। कब बना था? 1918 में बना था। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, तो यह परस्पर क्या हो जाएगा? परस्पर एक दूसरे के हैं। 37 का ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व, देख सकते हैं, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देशों के अर्थव्यवस्था का विश्व, देख सकते हैं विश्व, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी हो जाएगा जो मानव जनित, देख सकते हैं मानव जनित, देख सकते हैं निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देख सकते हैं 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? देख सकते हैं रंपा विद्रोह कब हुआ, तो यह हो जाएगा 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो यह 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। देख सकते हैं 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर 1929। देख सकते हैं लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो देख सकते हैं गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किया था। कब किया था? लाला हरदयाल 1913 में किया था। देख सकते हैं 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। देख सकते हैं 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था दांडी 1930 में। कहां से शुरू हुआ था? दांडी 1930 में शुरू हुआ था। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना देख सकते हैं 1925 केबी हेड, देख सकते हैं हेड गेवार ने किया था। किसने? केबी हेड गेवार ने किया था 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना। 49 नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस
आंदोलन के दौरान दी गई, तो यह हो जाएगा वारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाएगा? वारदोली आंदोलन हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारदोली आंदोलन। देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो यह हुआ था 1920 तुर्की के समर्थन में हुआ था। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न के सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, सिपाही विद्रोह हुआ था। देख सकते हैं 51 का ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 52 का बी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। देख सकते हैं 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। देख सकते हैं 54 का ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए, ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। देख सकते हैं 55 का ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा 1885 में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया था वह सचिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने? सचिदानंद सिन्हा ने किया था। देख सकते हैं 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सचिदानंद सिन्हा ने किया था। 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, देख सकते हैं फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में हुआ था। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से? चंपारण से शुरू किया था। देख सकते हैं 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो यह किया था एमएन राय ने। किसने? एमएन राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन राय ने किया था। देख सकते हैं 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यह किया था यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का संपादन किया था। देख सकते हैं 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। देख सकते हैं 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था।
तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस। देख सकते हैं पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? देख सकते हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था। देख सकते हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। 64 का हो जाएगा चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो देख सकते हैं किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 1909 में। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। देख सकते हैं 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 का हो जाएगा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी का वारसा खान कहा जाता है? देख सकते हैं निम्न में से किसे सीमांत गांधी का वारसा खान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान को। किसको? खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अली, देख सकते हैं मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो यह मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। 67 का ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। कब आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। कौन थे? चितरंजन दास थे। देख सकते हैं 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। देख सकते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड का घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देख सकते हैं 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिटन को। देख सकते हैं साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड लिटन को बनाया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे 74 का हो जाएगा सर जॉन साइमन हो जाएगा। देख सकते हैं साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। ये ऑप्शन नंबर गलत है, सर जॉन साइमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह ए ओ हामू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हामू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस 1911 में लिया था। कब लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस 1911 में लिया था। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वार्नर कूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वार्नर कूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया?
तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1878 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 का हो जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए देख सकते हैं आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो चलिए 80 क्वेश्चन लेकर आए थे, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।